Hi guys, good morning. You know क्या है हनी, फर्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह सुबह ब्लॉग में आई थी बोल के आपका डाउट है ना, तो आज के दिन से मैं डेली सुबह से रात तक मैं क्या करूँ, क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ और सब डेली आपको हर रोज़ ब्लॉग में मिल जाएगी। हाँ, आपको एक डाउट आता होगा कि मेरे पीछे कौन है, तो मेरे पीछे मेरे काम वाली है। हाँ, संडे है ना, तो वो आई है, उसका काम कर रही है। आज संडे है, हर लोगों को कॉमन है संडे लेट उठना। अभी तो टाइम 9 बज रही है, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक को, मैं हर रोज़ डेली जॉगिंग को जाती हूँ, लेकिन इसकी वजह से आज संडे है और मैं लेट उठी थी, इसकी वजह से आज नो जॉगिंग, नो एक्सरसाइज, नथिंग। सो अभी तो टाइम ज़्यादा हो रही है। चलो, मैं आपसे मेरी रात तक मैं क्या करती हूँ आप इस व्लॉग में देख सकते हो। अभी उठी थी, पहले मैं ब्रश करूँगी, इसके बाद थोड़ा वाटर, इसके बाद क्या खाऊँगी क्या करूँगी आप इस व्लॉग में देखिए। हाँ गाइस, अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। क्लेंस करूँ क्योंकि मॉर्निंग में क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मेरे फेस तो ठीक है, तो मैं अभी कुछ होम रेमेडीज यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आप देख सकती हो यहाँ पे कितना सारे प्रोडक्ट्स है मेरी। मैं आज फेस को कुछ होम रेमेडीज नहीं लगाने वाली हूँ, काली सिरप क्लेंस कर चुकी हूँ मैं इसको भी। मेरे ऑल टाइम फेवरेट है ओलिवा क्लेंजर, ये मेरे पर्सनल डॉक्टर मुझे रिकमेंड की है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप सोचते हुए सुबह सुबह स्पॉन्सर्ड वीडियो करने लगे, तो फ्रेंड्स ये मेरे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं मेरे फेस को ओलिवा क्लेंजर से क्लेंज कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि ओलिवा क्लेंजर को, इसे मैं हर रोज़ मॉर्निंग जॉगिंग से उठने, हर रोज़ मॉर्निंग उठने के बाद मेरे फेस को क्लेंज जरूर करती हूँ। ये बहुत लाइट वेट रहते हैं, फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे फेस पहले से अभी कितना क्लियर क्लीन दिख रही है। तो ये है मिराकल क्लींजिंग। सो अभी आप बोलिए ना कैसे है मेरे फेस, कितना नीटली हो गई है। हाँ, मेरे होम रेमेडीज में बहुत लोग मुझे कमेंट किया है, लेकिन मैं पॉजिटिव ले रही हूँ और कमेंट को भी, तो वो कमेंट करो मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। हाँ, तुम काली रहती हो, इतना काली रहती हो, तुम होम रेमेडीज के बारे में बता रही हो। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल रही हूँ कि मेरा स्किन कलर काली नहीं है, शायद होम रेमेडीज बताने की वजह से कभी कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम और कैमरे की प्रॉब्लम, वैसे मेरी स्किन थोड़ा सा डार्क दिखती है, इसकी मतलब ये है कि मैं काली नहीं रहती हूँ। अभी मैं आप देख सकती हो ना, अभी आप देख रही हो मेरा फेस कितना क्लीन फेड दिख रही है। तो एक्चुअली मेरा स्किन टोन फेरी है, होम रेमेडीज भी यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप देख सकते हो मेरे फेस कितना क्लीन है।
खाली डार्क सर्किल्स है थोड़ा सा, क्योंकि डार्क सर्किल से मैं काफ़ी वर्क करते रहती हूँ, रात को 3 बजे तक मैं काम पे पड़ी रहती हूँ, तो सीधा नींद नहीं रहती है मुझे, तो इसकी वजह से आऊँगे डार्क सर्किल्स होगी। कितना भी फ्रेंड्स एक बात याद रख लेना, हर कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है डार्क सर्किल्स, लेकिन डार्क सर्किल्स थोड़ा होम रेमेडीज यूज़ करने से कम आधा 50% होती है, और आधा 50% हम स्ट्रेस के बिना और टाइम पे खाके टाइम पे सोने से अपना आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स काले धब्बे नए रहते हैं। लेकिन हर कोई लोगों को प्रॉब्लम होते रहती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करते हैं, टाइम पे सोना नहीं होते हैं, अगर कभी कभी स्ट्रेस तो ज़रूर लेते हैं। आजकल जनरेशन में काम की वजह से और घर की टेंशन की वजह से कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहे हैं हम, तो उसकी वजह से डार्क सर्किल्स तो होती जाएगी। लेकिन ठीक है, उसको हम आधा तो कम करने के लिए हम होम रेमेडीज़ या मार्केट में बहुत कई सारे प्रोडक्ट्स हैं यार यूज़ करने के लिए, तो यूज़ कर दो, आपका डार्क सर्किल्स कम होती है। इसका मतलब ये है कि तुम होम रेमेडीज़ बताती हो तेरे डार्क सर्किल्स है, भाई मैं भी आदमी हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी आदमी हूँ यार, मुझे भी स्ट्रेस रहती है, मुझे भी काम टेंशन रहती है, मैं भी काम करनी पड़ती है, तो मुझे तो भी डार्क सर्किल्स होने में वो बड़ी बात तो नहीं है। तो जो भी मुझे कमेंट किया है, आप खुद भी डार्क सर्किल से आप क्या होम रेमेडीज बोलते हो बोल के बहुत सारे मुझे क्वेश्चन मार्क किया है, तो उन सब के लिए मैं आज ये आंसर दे रही हूँ। लेकिन इसको आप नेगेटिवली मत लेना, मैं नॉर्मली पॉजिटिवली आपको इस बता रही हूँ। अभी मेरे फेस को क्लेंजिंग हो गया, मेरे फेस बहुत नीट है। अभी मैं थोड़ा सा पानी पीना है, क्योंकि उठने के बाद मैं पानी पीती हूँ, और संडे है ना, तो मेरी डाइट, मेरी जॉगिंग, मेरी डेली शेड्यूल पूरा संडे के दिन रिवर्स होते रहेगी। तो आज मेरे डेली मॉर्निंग के रूटीन स्टार्ट हो गई है, अभी मैं पानी पी रही हूँ। मैं नॉर्मली तो 1 लीटर पानी जरूर पीती हूँ, क्योंकि मैं पानी तो ज़्यादा पीती हूँ। अगर आप भी पानी पिया करो यार, क्योंकि पानी पीने से ना अपना स्किन को दिन पूरा ग्लोइंग रखने की जैसा करती है, पानी पीने से दिन पूरा अपना स्किन ग्लोइंग रहती है, पानी पीने से डिहाइड्रेशन से भी बचा सकती हो आप। तो मॉर्निंग सुबह उठने के बाद 1 लीटर तो पानी ज़रूर पीऊँगी मैं। अगर आप 1 लीटर नहीं तो कम से कम 1 या 2 ग्लास तो पिया करो यार, वैसे पीने से अपना बॉडी हेल्दी रहेगी, साथ ही अपना डाइट भी बैलेंसिंग रहती है। और आपके पास भी ऐसे ही सुबह स्टार्ट होता होगा, संडे तो लेट ही होती है हर कोई घर में, तो आपके साथ भी ऐसे होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर जरूर करना है, ऐसे ही हम चिट चैट करेंगे। हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने से हम इंस्टाग्राम में चिट चैट कर सकते हो, साथ ही आप मुझे लेटेस्ट अपडेट्स को आप इंस्टाग्राम में देख के फॉलो कर सकते हो, वहीं पर हम चिट चैट कर सकते हैं, साथ ही मेरा लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको तुरंत मिल जाती हैं। अभी आपको लाइटिंग क्लियरली दिख रहा होगा, मेरे सोफा का कलर लाल ही है और बैकग्राउंड कर्टन्स भी लाल ही है, और हाथ में पानी का बॉटल भी लाल ही है। पता नहीं यार, आज पूरा कॉन्शियस हो गए ये। पता नहीं यार, अब लेट होती थी मैं, इसकी वजह से पानी भी सीधा पी नहीं पा रही हूँ। हो गए मैं पानी पीना, अभी मैं थोड़ा सा मैं लाइट डाली, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं लाइट डाली। हाँ, अभी मैं पानी पी हूँ, अभी मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता में मैं खाली क्या खाती हूँ आप देखिए, मैं नहीं बोलूँगी आपको अब नाश्ता में मैं क्या खाती हूँ आप देखिए। सो तैयार हो गई है यार मेरी ब्रेकफास्ट, सो चलो मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में आज क्या खाऊँगी। ब्रेकफास्ट में मैं कीवी, ऑरेंज और थोड़ा सा बेर खाऊंगी, बस इतना ही, क्योंकि मैं यही खा रही हूँ। आज संडे है तो आज पहले ही मैं लेट उठी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा कीवी, ऑरेंज और
बेर खाऊंगी। मैं ज़्यादा रिकमेंड, मैं ज़्यादा फ्रूट्स ही खाती हूँ मॉर्निंग टाइम पे। मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में मैं ज़्यादा, मुझे मॉर्निंग टाइम पे ऑयली फूड टिफिन नाश्ता करने को मुझे मन ही नहीं करती है। मैं ज़्यादा फ्रूट्स ही खाती हूँ, फ्रूट्स लिक्विड ही लेती हूँ ज़्यादा मॉर्निंग। तो आज संडे है, पहले ही मैं लेट उठी थी इसीलिए मैं नाश्ता में फ्रूट्स खा रही हूँ यार। क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कीवी फ्रूट, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं कितना खाती हूँ मुझे पता नहीं, खाते रहती हूँ। मैं मॉर्निंग नाश्ते में फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ। हाँ, फ्रूट इसलिए खाती हूँ कि मैं ज़्यादा मेरे बॉडी को स्लिम फिट रखना चाहती हूँ, ज़्यादा को स्लिम रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नाश्ता में मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, फ्रूट्स और दूध पीती हूँ। क्योंकि मैं डेली एक ही फ्रूट नहीं खाती हूँ, डेली डेली मेरे फ्रूट्स को चेंज करते रहती हूँ, रोटेट करते रहती हूँ। जैसे कि हम नाश्ता रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो मैं भी ऐसे ही फ्रूट्स चेंज करते रहती हूँ डेली डेली नाश्ता में। हाँ, लेकिन बात ये कि मैं डेली नाश्ता में तो कंपलसरी मेरी नाश्ता में ऑरेंजेस तो ज़रूर रहती है, क्योंकि ऑरेंजेस तो ज़रूर रहती हैं। ऑरेंजेस अपना बॉडी को, स्किन को डिहाइड्रेट से सेव करती हैं और साथ ही अपना स्किन ग्लोइंग रखने के लिए बहुत मदद करते हैं। और क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी ए ई रहते हैं, तो इसकी वजह से अपना स्किन ग्लोइंग रहती है और स्किन की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होती है। आप डेली एक ग्लास ऑरेंज जूस, यानी कि कुछ ऑरेंज जूस या ऑरेंज फ्रूट खाने से आप स्किन बहुत ग्लोइंग रहती है यार। ऐसा आप 15 दिन करके देखिए, आपका स्किन कितना क्लीन क्लियर दिखते हैं आप ही देख पाते हो। और हाँ, हो गई है फ्रेंड्स, मेरी नाश्ता हो गई है आज की। क्योंकि क्या है यानी इतना ही खाती है बोल के आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं नॉर्मली इतना ही खाती हूँ यार। पता नहीं, लेट उठने से संडे मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं कर पाती, नाश्ते के ऊपर कॉन्सेशन नहीं करती हूँ। और आपके साथ भी कभी कभी ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि संडे ज़्यादा लोग खाना पे कंसंट्रेशन नहीं करते कि संडे है ना, रेस्टिंग मोड में रहते सब लोग, ऐसे ही मैं भी। सो एक्चुअली मैं लाइव आना चाहती थी, लेकिन यार मेरी माइक एक काम नहीं कर रही है, तो ऑनलाइन में मैं माइक ऑर्डर कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कब आएगा। कि वो आने के बाद मैं ज़रूर आपसे लाइव में मिलती हूँ। हाँ, आप लोगों को एक डाउट है शायद, क्या है हानी कहाँ रहती है, क्या रहती है बोल के, लेकिन मैं अब नहीं बोलूँगी ना, क्योंकि ब्लॉग तो आज से ही शुरू हुई, मतलब शुरू हुई लेकिन मेरा फ्लैट से तो सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ क्या ना करूँगी, वो तो वैसा ब्लॉग उसका रिगार्डिंग का ब्लॉग तो आज से शुरू हुई ना, तो वैसे व्लॉग्स देखते रहेंगे। मैं ब्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में तो बताऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो संडे है, अगर आप भी घर में ऐसे ही मस्ती मजाक चिट चैटिंग करते होंगे, तो वैसा आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे ही होने से चिट चैटिंग मस्ती मजा, तो मेरे साथ भी थोड़ा कमेंट करके शेयर कर दो यार, मैं भी आपके बातें सुन के खुशी होगी। अगर आपके साथ भी ऐसे होने से, मेरे साथ जो हो रही है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ होने से मुझे भी शेयर कर दो यार कमेंट करके। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं यार, ठीक है मैं एक बार मेरे चैनल को लॉग इन करके देखती हूँ कौन कौन क्या क्या बात किए थे, कौन कौन क्या क्या मैसेज किए थे। मैं अभी पढ़ूंगी इस व्लॉग में, पढ़ के मैं आपको आंसर दूंगी, तो आपको आंसर व्लॉग में मिल जाती है, आपका सवाल की आंसर इस व्लॉग में मिल जाती है। ठीक है चलो यार, मैं अभी लैपटॉप ओपन करके चैनल लॉग इन करूँगी, लॉग इन करके आपको बताऊँगी, अब ये कमेंट्स को रिप्लाई देती हूँ। तो लोग मुझे कमेंट से पूछा है चैनल में, तो उनका सवाल के लिए मैं को थोड़ा आंसर्स देती हूँ। ऋषिका ने मुझे पूछा है कि ये जेल मेडिकल में मिल जाएगा क्या, बोले जेल एवरटीन जेल है वो पूछी है। हाँ जी, एवरटीन जेल ये मेडिकल में नहीं मिलती है, ये जेल आपको
वेबसाइट में मिलती है, नहीं तो अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट है, ये जेल मिलेगी। वीडियो के नीचे इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डाली थी ऋषिका, तो आप उस लिंक को चेक करके क्लिक कीजिए। तो अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट का लिंक्स है मेरे वीडियो के नीचे, तो किस में उसका प्राइस कम है, किस में आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो उस पर आप चेक करके खरीद सकते हैं। वे इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाली थी। आप इस जेल मेडिकल शॉप में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेडिकल शॉप में ऐसा वाला जेल्स नहीं मिलती। इसका जेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज चुकी हूँ, आप वहीं पर चेक करके क्लिक करके परचेज करना है। और मुझे साहिल वर्मा, मैंने कुछ दिनों पहले आपकी वीडियो देखी थी और उपाय ट्राई कर रहा था, मेरे डार्क सर्किल कम हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल वर्मा, थैंक यू सो मच। और ये अभी अभी मैं बात की थी ना यार, हर डार्क सर्किल हर कोई को कॉमन प्रॉब्लम होती है जो भी, लेकिन ज़्यादा 50% नींद नहीं रहने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से डार्क सर्किल्स होती हैं, और आधा 50% अपना स्किन टैनिंग की वजह से भी डार्क सर्किल्स होती हैं। लेकिन ज़्यादा डार्क सर्किल 50% हम क्यों ऐसा कर सकते हैं कि टाइम पे सोना है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेनी है, इसकी वजह से अपना डार्क सर्किल्स 30-40% तो बिल्कुल कम हो जाएगी यार। नगमा ताज मैसेज किया, आप बहुत अच्छे वीडियोस डालती हो, आप मुझे रिप्लाई ज़रूर करना, मुझे वेट लॉस सिंपल टिप्स बताइए ताकि मैं घर पे रह के फॉलो कर सकूं। ठीक है नगमा ताज, मैं बताऊंगी। आज से मेरी व्लॉग शुरू हो गई है, आज से मैं रेगुलरली व्लॉग बनाते रहूंगी, डेली आप मुझे मेरे व्लॉग देखिए, उसमें रेगुलरली आपको मैं जो डाइट फॉलो करने के लिए डाइट की टिप्स देती हूँ, वो डाइट की टिप्स आप फॉलो करने से आई एम श्योर कि आपको एक महीने में ज़रूर रिजल्ट मिल जाती है, और उससे अपना वज़न इजीली आप बैलेंस कर देते हो, और डाइट प्रॉपर डाइट फॉलो करने से वज़न इजीली बैलेंस हो जाएगी। हाँ, मुझे नयन मंडल ने मैसेज किया कि हाउ टू रिमूव चिकन पॉक्स मार्क्स फ्रॉम फेस। ओके जी नयन मंडल, मैं आपके लिए चिकन पॉक्स मार्क्स कैसे रिमूव करना मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। हाँ, और एक पर्सन ने मुझे मैसेज कमेंट किया कि चिम्मी देवी को मैंने हाय दी, मेरे स्किन ड्राई है और पिंपल है, मुझे कौन से फेस वॉश यूज़ करने से ठीक रहेगा, रिप्लाई मी, कि कोई उपाय कौन करने से ठीक हो सकता है क्या बताइए। ठीक है, होम रेमेडी यानी कि उसको फेस वॉश कौन सा रिकमेंड करूँगी। ठीक है दी, मैं आपको बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि, और मुझे शेखर मिलानी, हाँ, और एक पर्सन कमेंट किया शेखर मिलानी, मैडम आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ तरीका बताइए। ठीक है शेखर मिलानी जी, मैं आपके लिए वेट कम करने के लिए तरीका बता रही हूँ। अब मैं आज की व्लॉग से शुरू हो जाती है, मैं वेट लॉस टिप्स बताती हूँ और स्किन केयर के टिप्स भी बताती हूँ, तो मैं आपके लिए कल की व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी आपके लिए टिप्स वेट लॉस और आप डाइट फॉलोअप करने के प्रॉपर टिप्स मैं आपको बताऊँगी। हाँ, चिंतन तंबोली ने मुझे कमेंट किया है कि डियर मैडम, मेरी एज 25 है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब से बहुत वाइट हेयर हो रही है, तो प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है जी, मैं ज़रूर बताऊंगी वाइट हेयर्स के लिए। आपके लिए तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं आज का सब कमेंट्स मैं आपको पढ़ रही हूँ, कल तो वाइट हेयर के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, वाइट हेयर के लिए एक रेमेडी बताऊंगी, आप उसे ट्राई कीजिए, ज़रूर आपका वाइट हेयर की प्रॉब्लम कम हो जाती है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको वाइट हेयर की सोल्यूशन की टिप बताऊँगी, एक अच्छा सा होम रेमेडी बताऊँगी आपके लिए। बस, और बाकी सारे लोग थैंक्स, नाइस, एक्सेलेंट यही बोल रहे थे, तो उनके लिए तो मैं एक हार्ट सिंबल और एक लाइक ज़रूर की थी। सो और जो भी मुझे ये कमेंट किया है, लॉन्ग टेक्स्ट किया है, उनका प्रॉब्लम तो उनका मैसेजेस ही मैं पढ़ी थी। सब लोग तो नॉर्मल हाय, थैंक्स, सुपर बोल के बोले, तो आपके लिए बहुत थैंक्स है यार, मेरे वीडियो देख के आप मुझे अच्छा कॉमेंट किए, आपके कमेंट्स पढ़ने से मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे ज़्यादा काम करने की मन करती है आपका कमेंट्स देख के।
और कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं यार। तो आप कभी कि कुछ नेगेटिव कमेंट करने के पहले एक बार सोचा करो यार, सोच के कमेंट करने से, हम कुछ भी बात बोलने से आप फिर वो रिटर्न, वो बात को हम रिटर्न नहीं कर सकते। तो कुछ भी किसी को बात कुछ कहना है, कुछ गलत बात कहना है, तो कहने के पहले एक बार सोच के बता कहे एक बार सोच के एक बार सोच दीजिए, आपको पता चलेगा वो सही है। आप जो कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो सही है गलत है, आपको पता चलती है। तो बस इसके इतना ही कहूँगी। और बाकी सब लोग एक्सलेंट, सुपर ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं एक हॉट और एक लाइक सिंबल तो दे चुकी हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, मैडम ये एवरटीन जेल कहाँ मिले, कहाँ मिलता है? अरे मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, एवरटीन जेल वीडियो के नीचे, आप वीडियो देखते हैं ना, वीडियो के नीचे ऐसे क्लिक की, चेक कीजिए एक बार, चेक करने से उसके नीचे ही मैं इसके लिंक डाल चुकी हूँ। आप कहीं बाहर जाके ढूंढने का, सर्च करने का जरूरत नहीं है, खाली आप वीडियो प्ले करते हैं ना, वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के नीचे मैं लिंक डाली थी इस एवरटीन वेजिनल टाइटनिंग जेल का। तो बहुत सारे लोग मुझे यही पूछ रहा है बार बार, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ, इस जेल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप नीचे वीडियो के नीचे एक बार चेक करके क्लिक कीजिए। एवरटीन जेल आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील में अवेलेबल है। ये तीन साइट्स को सर्च करके जहाँ आपको कम डिस्काउंट मिल रही है वहीं पे आप क्लिक करके परचेस कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ जी। आप प्लीज़ एक बार फिर, मैं कमेंट भी कर चुकी हूँ उनके लिए, फिर मैं इस व्लॉग में भी बता रही हूँ स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मुझे उसके बारे में, बोल रही हूँ वीडियो के नीचे, फिर से बोल रही हूँ मैं, वीडियो के नीचे लिंक है, आप इस लिंक को चेक करके क्लिक कीजिए यार, आप भी परचेस कर ही सकते हो। आप जहाँ कम मिलते हैं, तीन वेबसाइट्स लिंक दे चुकी हूँ मैं, तो आप जहाँ कौन सा वेबसाइट में कम है प्राइस, थोड़ा सा कंपेयर करके आप कर ही सकते हो, 100 या 200 तो बचा लेती हो आप इजीली। मेरी आउटसाइड की थोड़ा काम चल रही है, साइट वर्क, एक बार मैं साइट पे जानी है, जाके चेक करनी है आउटसाइड, तो मेरा थोड़ा पर्सनल काम चल रही है, मैं जाके देखूंगी क्या काम हो रही है, क्या हो रही है। तो आज की मॉर्निंग व्लॉग इतनी है, मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ बताऊंगी लेकिन आज मैं भूल गई थी, और मेरा थोड़ा सिस्टम पे कुछ वर्क है वो काम करके, और मैं फ्रेशअप हो जाऊंगी, फ्रेशअप होके वो काम देख लूँगी, क्योंकि शाम शाम को थोड़ा सा दावत रख रही हूँ मैं फ्लैट में। तो ठीक है, मैं नहा के फ्रेशअप होके फिर अब मैं फ्रेशअप हो जाऊँगी। अब तो लेट हो गए यार, 12 बज रही है।